हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी ट्रिक। मैं केएन सिंह आज लेके आया हूँ 25 नंबर पे वर्ड। जो मेरा वर्ड मीनिंग का सीरीज चल रहा है, तो 25 नंबर पे जो मेरा वर्ड है वो है आपका एडिक्वेट। क्या है एडिक्वेट? तो एडिक्वेट का हिंदी क्या होता है? पर्याप्त या प्रचुर या फिर उपयुक्त। तो एडिक्वेट का हिंदी हो गया पर्याप्त, प्रचुर या फिर उपयुक्त। तो इससे मिलता जुलता वर्ड देख लेंगे हम लोग सिनोनिम में। तो इसका सिनोनिम क्या है? एम्पल, सफिशियंट, प्लेंटी, इनफ, कॉपियस, लेविस, प्रोफ्यूज, एबंडेंट। ये सारा वर्ड आपका मिलता जुलता हो गया सिनोनिम में किसका? एडिक्वेट का। तो फिर से रिपीट करते हैं, सिनोनिम इसका एम्पल, सफिशियंट, प्लेंटी, इनफ, कॉपियस, लेविस, प्रोफ्यूज, एबंडेंट। और हम लोग इसका उल्टा वर्ड देख लेंगे, अपोजिट वर्ड देख लेंगे इसका एंटोनिम में। तो एंटोनिम क्या है इसका? इनसफिशियंट, मियर्स, स्कैंटी, डिफिशियंट एंड इनएडिक्वेट। तो एंटोनिम में क्या वर्ड है? इनसफिशियंट, मियर्स, स्कैंटी, डिफिशियंट एंड इनएडिक्वेट। ये सारा वर्ड हो गया एंटोनिम में। 26 नंबर पे जो मेरा वर्ड है वो है ब्लेंड। तो ब्लेंड का हिंदी क्या होता है? होता है मिलाना, एक होना या मेल खाना या मिलाना या फेंटना, एक जगह एकत्रित करना, ब्लेंड मतलब। तो सिनोनिम इसका देख लेते हैं हम लोग। पहला क्या है? मर्ज, मिंगल, यूनिफाई, ज्वाइन, एमलगमेट, एलवाई, कॉम्बाइन, मिक्स टुगेदर। ये सब हो गया आपका सिनोनिम। फ्रेंड्स, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका PDF बना के आपको कमेंट बॉक्स के नीचे दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात फ्रेंड्स, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हम लोग को पता चले कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो ब्लेंड का एंटोनिम हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स एक बार फिर। एंटोनिम है इसका सेपरेट, आइसोलेट, स्प्लिट, एक्सक्लूड एंड डिजॉल्व्ड। ये इसका हो गया एंटोनिम किसका? ब्लेंड का। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का 27 नंबर पे है कैलामिटी। क्या है कैलामिटी? तो इसका हिंदी होता है विपत्ति, संकट या प्रलय या फिर मुसीबत। सब एक ही वर्ड है इसका। सिनोनिम देख लेते हैं, ट्रेजेडी, रून, डिजास्टर, कैटास्ट्रोफे, डिस्ट्रेस, माइजरी एंड एडवर्सिटी। ये सारा वर्ड हो गया सिनोनिम में किसका? कैलामिटी का। और एंटोनिम देख लेते हैं इस वर्ड का, ट्रिम्फ, एकॉम्प्लिशमेंट, बून, ब्लेसिंग एंड फेवरेबल। ये सारा हो गया एंटोनिम किसका? कैलामिटी का। नेक्स्ट वर्ड देख लेंगे हम लोग 28 नंबर पे है क्लैम्बर। क्लैम्बर का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? क्लैम्बर का होता है हाथ पैर के बल चढ़ना या फिर आगे बढ़ना। ठीक है, इसका सिनोनिम देख लेते हैं, मिलता जुलता वर्ड क्या है क्लैम्बर से? असेंड, माउंट, स्केल, क्रॉल, क्लाइंब, राइज, अपराइज एंड सोर। ये सारा हो गया मिलता जुलता वर्ड किसका? क्लैम्बर का। और इसका अपोजिट वर्ड देख लेते हैं एंटोनिम में, डिसेंड, फॉल, स्लाइड, ड्रॉप, डिक्रीज एंड अबेट। क्या है ये? अबेट। और 29 नंबर पर जो वर्ड है मेरा वो है आपका डिकेड। क्या है डिकेड? तो डिकेड मतलब क्या होता है? दशक या 10 वर्षीय, 10 वर्ष से जो संबंधित वर्ड है उसको बोलते हैं डिकेड। तो डिकेड का हम लोग सिनोनिम देख लेंगे फ्रेंड्स, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स मतलब डिकेड या टेनर्स ये भी बोलते हैं हम लोग। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? नो एंटोनिम, इसका कोई एंटोनिम नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, 30 नंबर पे जो मेरा वर्ड है वो है फिकल। क्या है ये? फिकल। तो फिकल मतलब होता है अस्थिर या फिर चंचल। क्या होता है? अस्थिर या फिर चंचल। तो इसका सिनोनिम देख लेते हैं हम लोग, अनरिलायबल, इनकॉन्सिस्टेंट, अनस्टेबल, वेरिएबल, इनकॉन्स्टेंट, चेंजेबल। ये सारा हो गया मिलता जुलता वर्ड किसका? फिकल का। और इसका एंटोनिम देख लेते हैं हम लोग, रिलायबल, कॉन्सिस्टेंट, फॉर्म, कॉन्स्टेंट एंड फिक्स्ड। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।